एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। रुक नहीं रहा शराब कारोबार, 6 लीटर विदेशी शराब के साथ बेता से कारोबारी महेंद्र सहनी को उत्पाद विभाग के टीम ने दबोचा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंची 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM सहित कई वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की ओर से लगातार तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश रही जारी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। कमतौल थाना क्षेत्र के टेक्टायर बाजार में अचानक भटके हुए 2 लंगूर पहुंचे, लोगों ने खूब किया मनोरंजन। हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित सभी लोगों को खाते में अविलंब राशि भेजने सहित कई मांगों को लेकर हनुमान नगर प्रखंड पर CPIM का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने एक बार फिर विधायक संजय सरावगी पर साधा निशाना, कहा खुले मंच पर दी थी चुनौती, अब तक नहीं आए विधायक, लेकिन सत्ता सुख भोगने में रहते हैं आगे। लेडीसराय थाना क्षेत्र के बेता से उत्पाद विभाग की टीम ने 6 लीटर विदेशी शराब के साथ महेंद्र सहनी नामक कारोबारी को दबोचा है। वहीं उत्पाद विभाग ने बताया कि शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी जारी रहेगी। शराब कारोबारियों का माफियागिरी लगातार जारी है। बिहार में शराब बंद होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी खेप में शराब बिक रही है। पुलिस आए दिन कार्रवाई करती है, लेकिन इसका कोई असर शराब कारोबारियों पर नहीं पड़ रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बेता स्थित महेंद्र सहनी के घर पर छापेमारी की तो 6 लीटर विदेशी शराब मिला। मौके से महेंद्र सहनी को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक ही सवाल उठता है, बिहार में ये कैसी शराबबंदी है जहां पुलिस छापेमारी करती है वहीं से शराब बरामद हो जाती है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। जोर से बोलिए पिता के नाम। पिता के नाम जयलाल सहनी, स्वर्गीय जयलाल सहनी। आपका क्या नाम है? महेंद्र सहनी। कहाँ से लाया गया? हॉस्पिटल बेटा जी, इनको कल शाम को लगभग 8 बजे करीब में बेता हॉस्पिटल रोड से जो शक के आधार पे एक झोले में लेके जा रहे थे, उसी समय इनको शक के आधार पे चेक करने पे इनके पास 16 पीस 375 ml गाड़ी में क्लियर ब्लू अवैध विदेशी शराब हमने प्राप्त किया और इस मामले को लेकर हम भीषण बाढ़ का जायजा लेने 3 सदस्य केंद्रीय टीम गुरुवार को दरभंगा पहुंची। इस दौरान जिला के विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों को उन्होंने जायजा किया, वहीं कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। हालांकि मीडिया से खुद को टीम ने दूरी बनाए रखी। केंद्रीय टीम ने बाढ़ क्षति का लिया जायजा, बाढ़ प्रभावित स्थलों का किया भ्रमण, लोगों से लिया फीडबैक। दरभंगा जिला में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य का जायजा लेने पीयूष गोयल, जो कि संयुक्त सचिव हैं गृह विभाग भारत सरकार के, वे दरभंगा पहुंचे गुरुवार को। 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव श्री एम रामचंद्रडू भी शामिल थे। दरभंगा हवाई अड्डा सबसे पहले ये लोग पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन किया गया तथा हवाई अड्डा के सभागार में PPT के माध्यम से केंद्रीय टीम को दरभंगा जिले में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य से अवगत कराते हुए
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा, बीते 22 जुलाई 2020 को जिले में बाढ़ आई और कुल 18 में से 15 प्रखंड के 231 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए, जिसमें 181 पंचायत पूर्णतः एवं 50 पंचायत अंशतः प्रभावित रहे। बाढ़ से कुल 20.82 लाख जनसंख्या प्रभावित रहा। बाढ़ के दौरान 634 समुदाय किचन चलाए गए, जिसमें 56,80,520 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया। अभी भी 6 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 4,000 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 61,068 परिवारों को पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध कराया गया। 23,000 लोगों को ड्राई फूड पैकेट्स उपलब्ध कराया गया। एनडीआरएफ की टीम एक और दरभंगा पश्चिमी क्षेत्र की दूसरी टीम हनुमान नगर एसडीआरएफ की टीम को दरभंगा मुख्यालय में बचाव कार्य हेतु लगाया गया। लोगों की आवागमन की सुविधा के लिए निःशुल्क 105 सरकारी एवं 485 निजी नाव चलवाए गए। अभी तक की स्थिति में 78 सरकारी एवं 186 निजी नाव चलाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 28 मेडिकल टीम द्वारा 880 कैंप चलाए गए, जिसमें 43,416 मरीजों का इलाज किया गया। बाढ़ प्रभावित गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 805 बैग ब्लीचिंग पाउडर एवं 1207 बैग चूना का छिड़काव कराया गया तथा 3,12,216 हैलोजन टैबलेट का वितरण कराया गया, ताकि उन्हें शुद्ध पेयजल मिल सके। 1,38,600 पशु प्रभावित हुए तथा 29 पशुओं की मृत्यु हुई। 82 पशु शिविर चलाए गए तथा 523 क्विंटल पशु चारा का वितरण किया गया। 7,005 पशुओं को कीटनाशक दवा दिए गए। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचईडी द्वारा 99 स्थलों पर अस्थाई चापाकल का स्थापना कराया गया। 38 जगहों पर टेंडर से जलापूर्ति की गई तथा 73 जगहों पर जेरिकेन से जलापूर्ति की गई। 498 चापाकलों का विशुद्धिकरण किया गया। 54 स्थलों पर अस्थाई शौचालय का निर्माण कराया गया। पीएचईडी द्वारा भी 375 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया। पीएचईडी की 525 चापाकलों तथा पाइप जल आपूर्ति योजना की क्षति 1,48,00,000 रुपए की हुई है। पथ निर्माण विभाग दरभंगा डिवीजन के लगभग 78 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें पुनर्स्थापना में 40,58,00,000 रुपए की आवश्यकता है। वहीं पथ निर्माण विभाग बेनीपुर डिवीजन के 63 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय तो इसकी जो NRLM स्कीम है क्या है वो ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का उसमें महिलाओं के स्वयं समूह बनाए गए हैं 10 लाख बिहार में और उन समूह में बहुत सारे समूहों को खेती भी करना सिखाते हैं महिला किसान आपके इस क्षेत्र में कोई नहीं महिला किसान नहीं सब सिस्टम क्लियर करना चाहिए बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की ओर से लगातार तीसरे दिन की सामूहिक अवकाश जारी रहे। इन लोगों ने अपनी मांग को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा के सभी ग्रामीण आवास सहायक लेखा सहायक आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। इन लोगों ने
कई मांगों को रखते हुए बताया कि वेतनमान स्थायीकरण 60 वर्ष तक जनवरी 2018 से एरियर का भुगतान राज्य में जितने जिला व आवास कर्मी का संविदा रद्द किया गया है उन्हें वापस बुलाने, एचएलसी कमेटी रिपोर्ट लागू करने सहित कई मांगों को लेकर इन लोगों का भूख हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं आवास कर्मी संघ के जिला संघ संरक्षक राहुल पासवान, जिला संयोजक ब्रजमोहन कुमार चौपाल, बिहार के सभी आवास कर्मी संघ चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सरकार जिन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है उनमें इन कर्मियों का लगातार मेहनत रहा है। सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है मगर कर्मियों की मेहनत को नहीं देख रही है, इसलिए यह अनिश्चितकालीन घोषणा की जाती है। इस मौके पर आवास कर्मी संघ सक्रिय साथी पर्यवेक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार पुष्पम, जिला सचिव मनोज कुमार पासवान, जिला कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, अमरेश कुमार भास्कर, अजय कुमार, अनिल कुमार पासवान, राम मोहन सिंह, संजय कुमार, राकेश कुमार, अरविंद कुमार दास तथा अभय गुप्ता सहित सैकड़ों आवास कर्मी उपस्थित रहे। इसके बाद इन लोगों ने लहरिया सराय में ही नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। उसके आह्वान पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी संविदा कर्मी, बिहार के तमाम संविदा कर्मी 3 दिनों से सामूहिक अवकाश में है। आज हमारा तीसरा दिन है लेकिन सरकार सुध ही नहीं ले रही है। आपको पता होगा कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व घोषणा किए थे कि बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, बिहार में लगभग 11 लाख संविदा कर्मी हैं, सभी संविदा कर्मी को मेरा कार्यकाल आने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन उनका कार्यकाल आज बीतने को है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक फैसला नहीं लिया कि संविदा कर्मी को नियमित करेंगे या फिर जस के तस रखेंगे। ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हमारे बिहार राज्य आवास कर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे, आज तीसरा दिन है, लेकिन हम लोग कभी 3 दिन में कोई सरकार से हम लोग चुकने वाले नहीं है। जब काम के समय आते हैं तो हम लोग आपदा में भी दिन रात काम करते हैं, महामारी कोरोना में भी दिन रात काम किए हैं डीएमसीएच में, और बाढ़ आपदा जो आई है उसमें भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हुए लाभुक का और जनता का सेवा अधिकारियों के द्वारा दिन रात आदेश के आधार पे हम लोग किए हैं। बगदौल थाना क्षेत्र के टेक्टार बाजार में अचानक भटके 2 लंगूर पहुंच गए, जिस वजह से कई घंटों तक कौतूहल का विषय बना रहा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इन लंगूरों के साथ खूब मौज किए। टेक्टार बाजार में पहुंचा 2 लंगूर, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में बना कोतूहल, देखने वालों की लग गई भीड़। कमतौल थाना क्षेत्र के टेक्टार बाजार में भटक कर पहुंचे 2 लंगूर क्षेत्र के लोगों के लिए कोतूहल का विषय बन गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे थे। दरअसल बुधवार को 2 लंगूर कहीं से भटक कर यहाँ आए थे। अहले सुबह जब लोगों की नज़र इन पर पड़ी तो इसे देखने के लिए लोग दौड़ पड़े। इस दौरान बाजार में पहुंच रहे ग्राहक एवं राहगीर भी इसे देखने के लिए एक पल रुक जाते थे। दोनों लंगूर भी लोगों के साथ खूब मजे ले रहे थे। बीच बीच में ये लोग पास आते थे और ये फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। इसके बीच यहाँ रह रहे दुकानदारों को ज़रूरत पड़ने पर लंगूरों ने चिंता बढ़ा दी, जो बेफिक्र होकर अपना रोजी रोटी चला रहे थे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रमोद कुमार झा, रोशन की रिपोर्ट। महानगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित सभी लोगों को खाते में अविलंब राशि भेजने सहित कई मांगों को लेकर गुरुवार को हनुमान नगर प्रखंड पर CPIM के बैनर तले करीब 1 दर्जन लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। गुरुवार को हनुमान नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर CPIM की ओर से प्रभावशाली जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित की गई।
प्रदर्शनकारी हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित सभी के खाते में अविलंब राशि भेजने, पॉलीथीन बांटने में हुए अनियमितता की जांच और लाभार्थी का सूची सार्वजनिक करने, सूखा पैकेट सभी को देने, किसानों के बर्बाद फसल क्षति का मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर विस्तार एवं मजदूरों को 200 दिन का 600 रुपये मजदूरी का भुगतान करने का नरसारा पंचायत फुलवरिया गांव में मनरेगा कार्य में जांच एवं बकाया मजदूरी का भुगतान करने सहित कई मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। नगर और प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय पर बाढ़ पीड़ितों का प्रदर्शन CPIM की अगुवाई में हो रही है। हम कहना चाहते हैं जो आज हनुमान नगर का 14 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, अभी भी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों के खाते में रुपये नहीं गए हैं। हम लोगों का मांग है जो सभी लोगों के खाते में अविलंब बाढ़ राशि 6000 रुपया सरकारी घोषणा अनुसार दिया जाए। पोलोथीन बंटवारा में भयंकर लूट हुई है, जो विस्थापित परिवार हैं उनको पोलोथीन नहीं दिया गया है। सूखा पैकेट राहत में भी मनमानी हुई है। आज हम कहना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं, पीड़ा प्रशासन के निकट रखते हैं, तो उन पर झूठा मुकदमा किया जाता है। बहादुरपुर उप प्रमुख व समाज सेवी देव कुमार झा ने एक बार फिर उगरा महापाड़ा पंचायत के आवाम को कोरोना से बचाने के लिए मास्क व साबुन का वितरण किया। साथ ही लोगों को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के नाम से ही अपने सेवक को वोट दे। जब आप जनप्रतिनिधि के चुनाव का आधार पार्टी एवं बड़े नेता का नाम बनाएंगे तो चुने हुए प्रतिनिधि भला जनता की चिंता क्यों करेंगे? वे तो जीतने के बाद अपने पार्टी और नेताओं को खुश करने में लग जाएंगे, उन्हें अपनी समस्याओं से कोई मतलब नहीं होगी। इसलिए इस ट्रेंड को बदलने की जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर जनप्रतिनिधि का चयन करें। पार्टी एवं नेता के नाम के बजाय यदि जनता के बदौलत प्रतिनिधि बनकर जाते हैं तो वे जनता की सुनेंगे। उपरोक्त बातें बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कही। वे बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत के लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क एवं साबुन का वितरण कर रहे थे। साथ ही लोगों से स्थानीय समस्याओं के विषय में जानकर इन्हीं मुद्दों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की अनुमति भी मांग रहे थे। देखिए, विगत मार्च माह से पूरा देश विश्व परेशान है कोरोना महामारी से, COVID-19 से, और लॉकडाउन होने के कारण सारा व्यापार, सारा कार्य, मजदूरों का सभी बंद हो गया। जो बाहर भी थे वही गाँव चले आए। यहाँ कोई उतना उत्तम साधन सुविधा नहीं है कि लोग रोजगार करके जी सके। उसी दरमियान में जनता के बीच उघड़ा पंचायत में निमाह चौक, उघड़ा कस्मा टोल सभी लोगों से मुलाकात किया। यहाँ उघड़ा मापाड़ा पंचायत के भी काफ़ी लोग हैं। बैंक निचला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। मुख्य मांग, चार मांग हम लोग बताए कि बताइए कौन ऐसा काम किया जाए जो पंचायत का लाभ हो। तो चार बातें खुलकर सामने आई। पहली बात तो सुलिस गेट ठीक करवाया ताकि 5000 बीघा का ज़मीन सुरक्षित रहेगा, किसान का फसल दहेगा नहीं। दूसरा है कि निमहा और दाइंग के बीच में जहां पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष का लड़का डूब के मर गया था, वहां बड़ा पुल का निर्माण किया जाए ताकि लोग ऊपर ऊपर जा सके और पानी बहने का साधन बड़ा हो जाए, जबकि पानी पुल से बह जाए और पानी रोड पर नहीं चढ़े। इससे एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क भी नहीं टूटेगा और संपर्क बना रहेगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने एक बार फिर नगर विधायक संजय शराबी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने नगर विधायक को खुले मंच पर आकर सीधे मंच पर बहस करने की चुनौती दी थी, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता खुश के लिए ही है, कार्य करने के लिए नहीं। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ दिन पहले मैंने संजय सरावगी जी को खुलेआम चुनौती दी थी कि यहाँ के विकास और डेवलपमेंट को लेके हम लोग बहस करें, लेकिन उनका कहना है कि शंकर झा मीडिया में रहने के लिए या मीडिया का सुर्खियों बटोरने के लिए वो इस तरीके का बात कर रहे हैं। संजय सरावगी जी
आप लास्ट 15 साल से यहाँ के विधायक हैं, क्या हम कोई क्वेश्चन करें? उससे भी हम लोग गए, क्या वो भी हमारा अधिकार नहीं है? आप यहाँ के डेवलपमेंट और विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद किए हैं, बेबुनियाद ढकोसलाबाजी किए हैं। अगर हम जनता के देखें डेवलपमेंट और विकास की बात, तो आपका DMCH की हालत ख़राब है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सिर्फ मात्र हॉस्पिटल है, उसकी भी हालत ख़राब है। पूरे शहर में कचरा लगा हुआ है, पूरे शहर में जल जमाव है, हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया नहीं है, युवा के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, बूढ़े के लिए कोई सीनियर सिटीजन गार्डन नहीं है, तो हमारे पास क्या है? गौशाला की हालत ख़राब है, पुअर होम की हालत ख़राब है, जितने भी पोखर था हमारे वो सब लोग भरते जा रहे हैं और भू माफिया सब यहाँ पर हड़पते जा रहे हैं, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा सुनने में मेरे को आ रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं संजय सरावगी जी, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लास्ट 15.5 साल से यहाँ के विधायक हैं, जो हमें धरोहर में मिला था वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया। हमारे कोई भी जो राज मैदान हो या फिर गौशाला है, पुअर होम है, DMCH हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, इसमें कई सारे ढकोसलाबाजी हुआ, लेकिन आज तक ये सब डेवलप नहीं हो पाया। कोलकाता से हाईघाट के लिए चले इरफान खान उर्फ लारा की संदिग्ध अवस्था में मौत कैंसर हॉस्पिटल मब्बी के पास हो गई थी। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रशासन से 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कोलकाता से हायाघाट के लिए चले मोहम्मद इरफान उर्फ लारा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि कैंसर अस्पताल मब्बी के पास संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया था। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें संवेदना दिया और साथ में प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इरफान खान की मृत्यु के कारण उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा किया जाए। क्या घटना हुई है, किस लिए आप लोग यहाँ DMCH में आए हुए हैं? ये मतलब लड़के का मर्डर हो गया जी, समझे? तो लड़का तो हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ था, जिसका मर्डर हुआ है, बड़ा भाई फ़ोन किया कि उसका कि इरफान चला गया, समझे? तो हम लोग फोन लगा रहे तो लग ही नहीं रहा, समझे कि नहीं, इसको जॉब बता रहा है, समझे कि नहीं। कहाँ से आ रहा था लड़का? कलकत्ता से आ रहा था। कब? एक तारीख। घटना कहाँ पे हुई, कहाँ पे लाश मिला? घटना तो हमको यहाँ का बता रहा, क्या दुकान वाला, छोटा सा दुकान है, वहाँ बैठे हुए थे, अपने भाई का लड़का है, वो लेके आया फोन, बोले बस यार हमका इरफान, हम लड़का हुआ भाई, बोले उसका मर्डर हो गया। मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के रहने वाले हमारे मोहसिन साहब वसी भाई का बेटा, होने हार बच्चा था, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हंस के हर बात को टाल देना और सबसे मिल के रहना मिलनसार लड़का, उसका समय मृत्यु हो जाना ये अपने आप में एक रहस्यमय है और इस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। जो जब वो कलकत्ता से घर के लिए निकला, घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, किस कारण से मृत्यु हुई और उसकी लाश, ऐसा नहीं कि कहीं बस में मिला, जबकि वो बस से आ रहा था, उसके अलावा NH 57 पर रोड किनारे, सड़क किनारे मिला, जो मब्बी के पास था पड़ा हुआ। तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उनसे मांग करती है और कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी हैं या इसमें संलिप्त है उसको फांसी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई, दीजिए मीता को हुई टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।